हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम देखिए हरा हरा पालक जो हमने अच्छे से धो लिया है और इसकी मोटी मोटी डंडियों को ना काट लिया है, पत्ते पत्ते रखे हैं मैंने, तो बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। और इसको अब हम बारीक काटते हैं और क्या बनाने वाले हैं, दाल पालक। और ये देखिए हमने पालक को अच्छे से काट लिया है। मैंने यहाँ पे ना तुअर दाल और मूंग दाल ली है, तो मैंने इधर लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम तुअर दाल और 2 टेबलस्पून मैंने धुली मूंग दाल डाली है। इनको 20-25 मिनट भिगो के हमने अच्छे से रख दिया है। बहुत अच्छे से इसको धोना है ताकि जो भी पॉलिश वगैरह इस पे लगी है वो अच्छे से धुल जाए। अब हम इसको कुकर में चढ़ाते हैं दाल को। 3 गुना पानी डाल दिया है हमने दाल में और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे ताकि कुकर से जो है ना दाल का पानी बाहर ना निकले। इसको मिक्स करेंगे और 1 विसल आने के बाद ना कुकर को गैस को बंद कर देंगे। जब तक कुकर में विसल आ रही है हम डालते हैं इसमें 1 टेबलस्पून घी। आप ऑयल में भी तड़का लगा सकते हैं बट मैं इसमें घी डालना प्रेफर करती हूँ दाल में। घी गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें जीरा 1/2 चम्मच, थोड़ा पिंच ऑफ हींग, 1/2 चम्मच हम इसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे और इनको तड़कने देंगे। हींग की खुशबू ना दाल में बहुत ही बढ़िया आती है, तो आप जरूर डालिएगा। ऊपर से हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ये कटा हुआ लहसुन, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें मैं 2 कटे प्याज और 1 हरी मिर्च डाल दूंगी और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। जैसे जैसे मैं सामान इसमें डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। अच्छे से भूनने का इंतज़ार करते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, हल्दी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, 1 चम्मच सांबर पाउडर। इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये कटा हुआ टमाटर, इसको मिक्स करेंगे और टमाटर को ना सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें टमाटर के साथ ही ना हम ये 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक डालेंगे। अदरक का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, टमाटर और अच्छे से गल जाए इसके लिए हम थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे क्योंकि थोड़ा नमक हमने दाल में डाला हुआ है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसकी इंतज़ार करते हैं। देखिए ये जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ पालक जो मैंने एक छोटा बंच लिया है, और पालक ना वैसे भी बहुत थोड़ा सा हो जाता है तो आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको करेंगे मिक्स और हम इसको फिर ढककर पकाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने पालक को ना खुला ही पकाया है ताकि उसका कलर जो है ना ख़राब ना हो। पहले मैंने सोचा ढक के पकाती हूँ, फिर इतना महीन पका हुआ है ना पालक, कटा हुआ है इतना महीन कि वो आराम से पक जाएगा जल्दी से। तो ये पक गया है और इसमें हमने ना पत्ते पत्ते लिए हैं, इसकी डंडियों को आपको नहीं लेना। देखिए आपको पास से दिखाऊं क्योंकि धुएं के कारण दिख नहीं रहा है। और ये देखिए कुकर खोल लिया है हमने दाल का और दाल भी बहुत अच्छे से बन गई है। 1 विसल आने के बाद ना कुकर हमने अपने आप ठंडा होने दिया, तो देखिए मूंग और अरहर भीगने के बाद बहुत ही जल्दी बनती है। तो अगर आपको झटपट दाल बनानी है ना तो ऐसे 3 गुना पानी डालकर पकाइए, बहुत अच्छे से बन जाती है। और यहाँ पे ना आप पालक को थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए कि पालक जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है, तभी आप इसमें दाल ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें करेंगे दाल ऐड, या तो आप कुकर में भी डाल सकते हैं, नहीं तो कढ़ाई में सारा मसाला लगा हुआ होता है, हम ये सारी दाल इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ये कलर आया है पालक का, दाल का। और ये देखिए हमारी ये दाल जो है प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है।
मैं आपको यहाँ चमचे से दिखाऊं, बहुत ही परफेक्ट बनी है, पालक भी बहुत अच्छे से दिख रहा है, देखिए। तो इसकी करते हैं प्लेटिंग, और ये देखिए ऊपर से दाल में हम ये राई का और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च का, थोड़े से कटे हुए हरे धनिए का तड़का लगाएंगे। घी में लगाया है हमने ये तड़का, और है ना बढ़िया सी दाल बनकर तैयार, बहुत ही यमी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।